दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम की में। और इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं आपको ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के अंतर्गत जो एक पोस्ट कोड था जिसमें आप सभी जानते होंगे जो डिपार्टमेंट था आपका मध्य प्रदेश वेयर हाउस कॉरपोरेशन एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन, ठीक है ना। और इसके संबंध में हमने पूरा पूरा जॉब प्रोफाइल भी बताया हुआ था। ग्रुप टू सब ग्रुप फोर की सारी जॉब प्रोफाइल की वीडियो डली हुई है, आप जाकर जरूर देखिएगा। यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम इस पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है उससे संबंध में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और पोस्ट कोड 009 इसकी अगर बात करें, क्योंकि इसमें सीपीसीटी मांगा गया था, एक बार से डिप्लोमा भी मांगा गया था, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे लोग थे जो इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाए थे। साथ ही साथ जो कनिष्ठ सहायक की बात करें, कनिष्ठ सहायक से डाटा एंट्री ऑपरेटर, और इसमें से आपको बता दें क्योंकि इसमें योग्यता में आपको विषय जो स्नातक मांगा था उसमें आपको 60% भी मांगा था। तो उस बार इसके लिए भी, इसको देखते हुए भी कई लोगों ने फॉर्म को इसमें नहीं भरा है और किसी ने भर भी दिया है। तो लास्ट में जाकर डीबी में बाहर हो जाएगा क्योंकि 60% कई लोग ग्रेजुएशन में नहीं होते, फिर भी इसको फिलअप कर दिया है जल्दबाजी में। और साथ ही साथ इसमें एक वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए पीजीटी से, डीसी, भोज यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी, आपका मान्यता प्राप्त यूजीसी से। साथ ही साथ इसमें ये बोला था आपका जो BCMC वाले भी ये सब इत्यादि लोग मान्य थे, BE वाले ये सब फॉर्म भर सकते थे इसको, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें CPCT मांगा गया था, नॉर्मल CPCT बोला था इसमें, आपको CPCT स्कोर कार्ड चाहिए उसका, ठीक है ना, वैध स्कोर कार्ड। CPCT जहाँ जहाँ भी ऐसा लिखा रहता है उसका मतलब हिंदी से बोला जाता है, तो हिंदी से जिसके पास था वो इसमें अप्लाई करे हुए थे लोग, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पोस्ट कोड के लिए 009 की अगर बात करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इसको बाद में भरा था, हालांकि इसका पे लेवल 4 था लेकिन इसको पे लेवल बाद में भरा था, क्योंकि ये जो था लॉजिस्टिक हाउस कॉरपोरेशन है, यहाँ पर कॉरपोरेशन को देखते हुए कुछ लोगों ने इसको नीचे भरा था, किसी ने बाद में भरा था। और इसमें ये पोस्ट थी मात्र थी SC में, ठीक है। और SC के लिए अगर बात करें तो इसका जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाने वाला है इसमें SC में, और महिलाओं में इसमें 2 पोस्ट थी। तो हम बता दें इसमें कितना कट ऑफ जाएगा SC के लिए, इस पोस्ट पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको बता दें इसका जो कट ऑफ है वो 132 से 134 के आसपास रहेगा SC कैटेगरी के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि SC के लिए ही पोस्ट यहाँ पर थी। महिलाओं के लिए अगर बात करें तो यह चीज़ 130 के आसपास रहेगी महिलाओं के लिए, ठीक है ना, जो 2 पोस्ट थी उसके लिए। अब बात करते हैं इसके नीचे 009 के बाद हैं 10 जो कि संविदा पद है, इससे डिफरेंट है, जो ऊपर वाला है बताया उसे डिफरेंट था, लेकिन इसमें भी 60% मांगा था ग्रेजुएशन में, वही एक बार से डिप्लोमा मांगा गया था और वही आपका CPCT मांगा गया था, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर कई सारे लोगों ने संविदा होने के बाद कारण इसको सबसे लास्ट में भरा है, ठीक है ना, भरा सभी ने है लेकिन सबसे लास्ट भरा है, लेकिन 60% जिसके थे और PGDCA में या फिर BE वाले जो थे वो प्लस CPCT जिसका था वही लोग इसको भर पाए। टोटल 42 पोस्ट थी, संविदा पद था, 26,130 वेतन था इसका। दिव्यांगजन भी इसमें पद थे 2, इनके भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो हम अनारक्षित की बात करें 7 पोस्ट थे, महिला में 4 पोस्ट थी। तो अगर हम अनारक्षित की बात करें तो ऑन स्क्रीन अगर आपने नंबर आपके 137 से लेकर के 138 के आसपास अगर आपने देखे हैं, ठीक है ना, मेल फीमेल दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, मेल फीमेल दोनों के लिए आपने 137 से 136 के या 136 137 138 के आसपास आपके नंबर इसमें देखे हैं, है ना, महिलाओं में 135 से 136 के बीच में, है ना, तो आप जनरल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल, आप इसके इस पोस्ट को मतलब प्राप्त कर पाएंगे अगर आपको पटवारी नहीं मिलती है और आपने पटवारी के बाद डाला है तो इस संविदा की पोस्ट को आप लिए आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर बात करें इसमें EWS के लिए, तो EWS की अगर हम बात करते हैं तो EWS में ये जो नंबर इसमें आपके 135 दोनों ही मेल फीमेल दोनों के लिए 135 के आसपास इसमें होने चाहिए, ठीक है। और SC की बात करें और ST की बात करें, क्योंकि इसमें SC और ST की पोत जो पद थे वो थे, और OBC की भी पद थे यहाँ पर 7, ठीक है। तो 2 पोस्ट है, दो पोस्ट यहाँ पर महिलाओं में थी, 3 इसमें थी OBC में महिलाओं में। तो इनके लिए बात करें, सबसे पहले हम OBC की बात कर लेते हैं। OBC में आपको बात करें हम, तो इसमें आपके जो 136 नंबर हैं, 137 नंबर हैं, ऑन स्क्रीन आपने इतने करके आए, ऑन स्क्रीन आपने इतने देखे हैं, तो आप इसको, आपको ये पोस्ट जरूर जो है मिलेगी। महिलाओं में अगर बात करें OBC की, तो 134 से 135 नंबर आपके पर्याप्त रहेंगे। ऐसे अगर बात करें SC में और ST में, तो SC अगर बात करते हैं हम, SC में SC के लिए 4 पोस्टों के लिए, SC की 4 पोस्ट, महिलाओं की 2 पोस्टों के लिए, तो यहाँ पर SC के लिए 133 134 नंबर, फीमेल में अगर बात करें तो 133 132 133 नंबर इसमें रहेंगे SC के लिए। और ST की अगर बात करते हैं तो ये नंबर आपके 120 के आसपास, अगर आपने एक ऑन स्क्रीन अगर हम बात करें तो 115 जिसने करके आया है, ठीक है ना, 115 जिसके आए हैं ऑन स्क्रीन 115 से 120, तो वो यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा, ये अच्छा स्कोर है, ठीक है ना, आपको चांस बनते हैं इसमें। और यही अगर फीमेल में बात करते हैं तो फीमेल में आपको यही नंबर 100 नंबर पर्याप्त रहेंगे इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए, 100 नंबर ST में, ठीक है। और हमने ST की बात कर दी फीमेल में, और इसके बाद हम भूतपूर्व सैनिकों की बात करेंगे इसमें, भूतपूर्व सैनिकों को लिए भी, ठीक है ना। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर 90 नंबर पर्याप्त रहेंगे, 90 नंबर आपने लाए हैं तो आप इस पोस्ट को जो है
जो है प्राप्त कर पाएंगे। 90 नंबर से ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है, 90 नंबर ठीक है ना। पर्टिकुलर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ तो मैं 100 तक और बाकी कैटेगरी जिन जिन के भी लिखी हुई तो 90 नंबर इसमें बहुत है। बाकी जनरल कैटेगरी भी 90 से 100 के बीच में जिन्होंने लाए हैं बहुत अच्छे नंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिव्यांगजनों की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दिव्यांगजनों की हम बात करें तो यहाँ पर 120 से 125 के बीच में अगर नंबर हैं आपके तो दो पोस्ट हैं यहाँ पर। आप इसमें चांस, अगर आपका चांस जो है ऑनर्स के नाम 120 के आसपास नंबर लाए हैं तो आपके चांसेस में बनते हैं। बाकी इसका जो प्रोफाइल और भी ग्रुप के सपोर्ट फोर की जो प्रोफाइल से संबंधित सारी वीडियो हमने डाली हुई है आप उसको जरूर देखिएगा। हालांकि इसमें कुछ और पोस्ट भी हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं क्योंकि स्टेनोग्राफर में भी कई सारे पद तो थे इसमें, और इसमें स्टेनोग्राफर में दो दो तीन तीन पद थे, ठीक है, अलग अलग लेवल के पद थे। ये कहना चाहता हूँ सीधी भर्ती में अगर बात करें यहाँ पर पे लेवल 4 की जो जॉब थी इसमें आपको SC के लिए और जनरल के लिए और OBC के लिए यहाँ पर जो है पोस्ट देखने को मिल रही थी। तो हम बात करें यहाँ पर पद जनरल के लिए, जनरल में एक पद था तो जनरल के एक पद की अगर बात करते हैं और महिलाओं में एक पद था तो यहाँ पर आपके नंबर 130 अगर थे तो आप डेफिनेटली यहाँ पर इसको 130 135 के नंबर आपके हैं तो आपको जरूर जो है मिलने के चांसेस में बनते हैं। अगर OBC में बात करते हैं तो ये भी आपको 128 से 130 के आसपास, ठीक है, और अगर ST में बात नंबर ST में नहीं SC में था तो SC में भी आपको OBC में ना बताया आपको 132 ठीक है, ST में अगर बात करें तो 130 के आसपास यहाँ पर ST में 130 के आसपास नंबर आपके थे तो आपको यहाँ पर 128 130 तो आपको यहाँ पर चांस बनते हैं, ठीक है ना। वही सारी चीज़ें मांगी गई थी जो हमने ऊपर बताई हुई है। अब इसके बाद हम आगे वाले जो भी डिपार्टमेंट आएंगे उनके बारे में आपको बताएंगे। तो स्टेट यूनिवर्सिटी चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।